जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार्स पर, स्वागत है एक और वीडियो में। देखो आज बात करने वाले हैं मारुति इनविक्टो की। देखो बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, मारुति की लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ी आपको इनविक्टो ही देखने के लिए मिलती है। और देखो इसके अंदर, गाड़ी के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं, एक वेरिएंट आता है अल्फा और एक आता है जीटा। जीटा वेरिएंट इसका जो है बेस वेरिएंट है। तो आज आपके सामने जो है जीटा वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको 7 सीटर और 8 सीटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो आज सामने जो वेरिएंट है 8 सीटर वेरिएंट है। क्या कुछ मिलेगा गाड़ी के अंदर, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कितना माइलेज है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों सामने है मारुति सुजुकी इनविक्टो। देखो दोस्तों जीटा वेरिएंट है, जीटा के अंदर आपको 7 सीटर और 8 सीटर दोनों ही वेरिएंट मतलब ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। और एक चीज और, इनविक्टो के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, अल्फा वेरिएंट और जीटा वेरिएंट। जीटा वेरिएंट जो है बेस वेरिएंट है। तो आज बात करने वाले हैं इस जीटा प्लस वेरिएंट मतलब 8 सीटर वाले वेरिएंट के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले एक्सोरूम कीमत की बात कर लें, 25,26,000 रुपये एक्सोरूम कीमत देखने के लिए मिलती है। और अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, हाइब्रिड इंजन मिलेगा और एसी सिंक्रोनाइज्ड मोटर देखने के लिए मिलती है। 150 बीएचपी की पावर और 188 न्यूटन मीटर का कंबाइंड टॉर्क देखने के लिए मिलता है। माइलेज की बात करें तो देखो भाई हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो 23 का क्लेम कर रही है, तो बाकी तो मिल ही जाएगा। अब एक काम करते हैं, पहले इसकी चाबी देख लेते हैं, उसके बाद फ्रंट से शुरू करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। तो देखो अगर चाबी की बात करें दोस्तों, तो देखो इस तरफ तो आपको 2 बटन मिल जाएंगे गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए, और पीछे आपको इस तरीके से सुजुकी का लोगो मिल जाएगा बड़ा सा, ठीक है। ब्लू कलर का भी टच मिल जाता है यहाँ पर। और अगर फिजिकल की निकालनी है तो आपको इस बटन को इस तरीके से प्रेस करना होगा, और ये की जो है निकाल के दिखाता हूँ भाई, इस बटन को इस तरीके से खींचना है और इस तरीके से ये जो है इसकी फिजिकल की निकल के आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसे मैं लगा देता हूँ। अब देखो फ्रंट से शुरू करता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले देख लो इंडिकेटर तो ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे, और इसकी हेडलाइट भी आप देख लो यहाँ पर, ये जो तीनों पार्ट हैं ये आपको यहाँ पर DRL मिलते हैं, यहाँ पर LED बेस्ड हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। फ्रंट की अगर ग्रिल की बात करूँ तो देखो क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और साथ में पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ नीचे की तरफ भी ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सब क्रोम में मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अगर इससे ऊपर वाले अल्फा वेरिएंट की बात करूं तो यहां पर आपको 360 कैमरा मिलता है, उस वेरिएंट में, इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अगर साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो सबसे पहले तो इसका टायर साइज आपको 215/60 की प्रोफाइल के साथ 17 इंच का मिल जाता है। डायमंड का टैलोई व्हील मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में, इवन चारों ही व्हील के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो देखो ORVM देख लो, ORVM के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, यहां मैट और यहां बॉडी कलर का टच मिलता है। उसके बाद देखो इस तरफ आ जाए तो देखो आपको यहां पर कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल जाती है, और देखो यहां से स्वैप करके गाड़ी को लॉक और अनलॉक आप दोनों काम कर सकते हो। इसके बाद देखो इस तरफ आ जाए पीछे की तरफ, तो ये इसका पूरा शोल्डर एरिया आप देख सकते हो, और थोड़ा सा और पीछे की तरफ आ जाए तब देखो यहां पर टेल लाइट, ये है कुछ इस तरीके की। देखो हाई क्रॉस हो गई या इनविक्टो हो गई, दोनों की बॉडी लाइन में और लुक में डिजाइन में कोई भी अंतर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। बस अंतर कहां मिलेगा, एक लोगो में और एक उसके नाम में, ठीक है। यहां पर देख लो टेल लाइट इस तरीके से मिलेगी पूरी। उसके बाद देखो यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ लोगो मिल जाता है सुजुकी का, और यहाँ पर इनविक्टो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। इसकी बात करें रियर ग्लास की, तो देखो भाई ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि यहाँ पर आपको डिफॉगर नहीं मिल रहा है, रियर वाइपर तो मिल रहा है लेकिन डिफॉगर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप और ये स्पॉइलर मिल जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएं तो रिवर्स पार्किंग सेंसर देख लेते हैं। देखो दोस्तों पीछे की तरफ एक चीज़ और नेगेटिव पॉइंट देखा मुझे, कि पीछे वाले बम्पर में आपको सेंसर मतलब रिवर्स पार्किंग सेंसर ही नहीं मिल रहे। कैमरा मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर कैमरा तो दिख रहा है लेकिन सेंसर नहीं है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है मुझे भी। यहाँ पर रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर दिख ही जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर फ्यूल कैप मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 45 लीटर के आसपास का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। लेकिन एक काम करते हैं पहले इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर
इधर से बूट को खोलें तो देखो इसमें पावर टेलगेट नहीं मिलता है आपको, पहले तो ये बता देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक स्पेस मिल जाता है छोटा सा टूल किट वगैरह रखने के लिए, इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बूट लाइट मिल जाती है, और एक चीज़ और, ये जो पीछे वाली सीटें हैं ये 50-50 में स्प्लिट हो जाएंगी। और अगर इस बूट कैपेसिटी की बात करें तो 239 लीटर कैपेसिटी, मतलब ऑलमोस्ट 240 लीटर कैपेसिटी मिलती है। अगर ज़्यादा स्पेस करना है तो आप इस तरीके से इस लीवर को खींच के जो है सीट को फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन इसे हम सीधा कर देते हैं, और देखो यहाँ पर आपको एक हेडरेस्ट मिल जाता है, ये थर्ड पैसेंजर्स के लिए, अगर यहाँ पर बैठना है तो उसको इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसे पूरा फोल्ड करने के लिए दोस्तों उस सीट को भी, मिडिल रो वाली, उसे भी आगे करना पड़ेगा, लेकिन मैं खींच के पीछे ही कर देता हूँ। बाकी के जो चीज़ें हैं मैं उधर से ही जाके दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो करते हैं डोर को ओपन। डोर ट्रिम्स देखो, यहाँ पर ये लेदर फ्लिस मिलेगी, यहाँ पर ये रोज़ गोल्ड मिल जाता है, ये कुछ अलग कलर है और नया भी है। यहाँ चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाएगा, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर डोर हैंडल ऐसा मिल जाता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाती है, एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। अगर स्पीकर्स की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर आपको चार स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इस तरफ देख लेते हैं। तो पहले तो AC वेंट का डिज़ाइन देखो, उसके बाद यहाँ हेडलाइट एडजस्टेबल आ जाता है, नीचे की तरफ दोनों पैडल मिल जाएंगे, CVT ट्रांसमिशन मिलता है, डेड पेडल भी आपको दिख गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ से फ्यूल लेड ओपन करनी है और यहाँ से बोनट ओपन करना है। और अगर सीटिंग की बात करूँ तो देखो हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाएगा, और यहीं इसी लीवर से रिक्लाइन एंगल चेंज करना है। अब देखो बैटरी की बात करते हैं, इसमें हाइब्रिड कार है तो बैटरी आपको देखो इस सीट के नीचे और उस सीट के नीचे मिलेगी। और अगर बैटरी सेल्स की बात करूँ तो 146 सेल आपको बैटरी में देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब थोड़ा बैठ कर बात करते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलेगा। तो देखो भाई आ जाओ इस तरफ, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका इग्निशन ऑन करते हैं। तो देखो दोस्तों अब सबसे पहले यहां पर देख लो, यहां पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। अब एक काम करता हूं, इग्निशन ऑन करता हूं और फिर दिखाता हूं। ये देखो बहुत साइलेंट मोड में स्टार्ट हो गई दोस्तों, EV मोड पे स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हैं EV रेडी भी लिखा गया। उसके बाद देखो पूरा यहाँ पर ये जो है एक बीच में MID मिल जाती है, यहाँ पर आपको एनालॉग मिल जाता है, यहाँ पर देखो फ्यूल गेज और यहाँ टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है पावर, ईको और इसकी सबकी देखने की मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर ये जो है ये मोड और ट्रिप चेंज करने के लिए मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आ जाए, स्टीयरिंग व्हील देखें तो देखो ये सारे स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स की बात करते हैं, यहाँ पर तो आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल मिलेंगे, और साथ में आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल करने के लिए बटन यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से पहले इसे करते हैं, ये देखो यहाँ से ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो, जैसे कि ये आप देख सकते हो डिस्टेंस टू एम्प्टी लिखा हुआ है, उसके बाद माइलेज, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद देखो यहाँ से आपको वॉशर के कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट तो मिलता है और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर पैडल शिफ्टर देखने के लिए मिलेंगे स्टीयरिंग के पीछे। इस तरफ आ जाएँ तो भाई देखो ये यहाँ पर आपको मिलता है। तो देखो इस वेरिएंट में दोस्तों अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, 7 इंच का मिलेगा जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और वायरलेसली सपोर्ट करता है, ठीक है। और स्पीकर की बात करूँ तो 6 स्पीकर आपको देखने के लिए मिलते हैं। AC वेंट का डिज़ाइन यहाँ मिल गया, और यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन, उसके बाद देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो ECVT ट्रांसमिशन वाला यहाँ पर गियर लीवर मिल जाता है, और इस गाड़ी के अंदर जो है ना नॉर्मल नहीं मिलता है, यहाँ पर ECVT ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है बैटरी और इंजन दोनों पर चल सकती है। इस तरफ देखें तो देखो यहाँ पर पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में मिल जाती है, यहाँ पर ड्राइव मोड चेंज करना है, EV मोड और ड्राइव मोड, और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो टाइप सी पोर्ट और टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, थोड़े बड़े बड़े हैं, बोटल होल्डर बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आए तो देखो साइड में खुलेगा इसका जो है ये आर्म रेस्ट, और काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। देखो ये जो बोटल है मैं इसमें डाल के दिखा देता हूँ, तो देखो कितनी छोटी लग रही है, आराम से बंद भी कर सकते हैं, चाहो तो ऐसी 4-5 बोतल इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि कूलिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाए तो 12 वोल्ट का एक पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर ये एक ठीक ठाक सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदर कुशनिंग मतलब टच मिल जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, उसमें भी ये सिल्वर लाइनिंग मिलेगी और व्हाइट कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये पार्ट दोनों अलग है, वैसे तो सेम लग रहे होंगे लेकिन ये लेदर फिनिश है, और यहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। इस तरफ देखें ग्लो बॉक्स, तो ग्लो बॉक्स देख लो भाई काफ़ी बड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। देखो व्हील के ऊपर जो कैप लगता है सुजुकी का लोगो, इसमें आप देख ही रहे होंगे इस तरीके से लगता है। इसे कर देते हैं बंद। उसके बाद देखो इस तरफ आ जाते हैं तो
यहाँ पर देखिए, ये ड्राइवर साइड में जो सनशेड है उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलेगा, साथ में ये देखिए ऑटोमेटिक लाइट भी मिल जाती है। ओपन करेंगे तो लाइट इसकी जल जाएगी और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर डे नाइट वाला या मैनुअल डिपिंग IRVM देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको लाइट इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। उसके बाद देखो यहाँ पर SOS बटन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, इमरजेंसी में आप कहीं भी कॉल वगैरह कर सकते हो। उसके बाद देखो इस तरफ आ जाए तो पैसेंजर साइड में देखो भाई जो सनसेट है उसके अंदर भी आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर मिल जाएगा, साथ में लाइट का फीचर भी मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो मिलता है ग्रैब हैंडल, ये सॉफ्ट टच के साथ में मिल जाता है। 6 एयरबैग देखो गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और बाकी ABS EVD वगैरह वो सारे फीचर्स आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे ही। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं रियर सीट पे, वहां क्या कुछ मिलेगा चल के देखते हैं। तो करते हैं डोर को ओपन। तो सबसे पहले तो देखो भाई यहां पर देखो सेकंड रो में यहाँ पर जो है ये कर्टन मिल जाएंगे, विंडो कर्टन, और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं ये दोस्तों। अरे लगा देता हूँ यार। उसके बाद देखो यहाँ पर सेम वही रोज गोल्ड कलर, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल्स क्रोम में और वही लेदर फिनिश आपको मिलेगी। काफ़ी वाइड वाइड से डोर मिल जाएंगे देखने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो चाइल्ड सेफ्टी के लिए लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा। अंदर की तरफ स्पेस देख लो भाई, इतना सारा स्पेस है, एक आदमी गद्दा डाल के सो जाएगा। ठीक है, सीटिंग की बात करूँ तो देखो सीटिंग में कुछ इस तरीके का फैब्रिक मिलेगा, ब्लैक और थोड़ा सा ग्रे सा, बट ये मिल जाता है कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ से जो है ना रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पर इस तरीके से पीछे की तरफ आ जाते हैं और बैठ के बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC कंट्रोल्स मिल जाएंगे और नीचे एक टाइप सी पोर्ट और दो टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, AC के कंट्रोल्स यहाँ पर हो गए। अब वेंट कहाँ है तो वेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूफ माउंटेड वेंट आपको मिलेंगे, साथ में ये लाइट मिल जाती है, इस तरीके से ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक ये लाइट भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ऐसे इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी एक लाइट मिल जाती है। सीटिंग में बात करें तो देखो 60-40 में सीट स्प्लिट होती हैं और उसके बाद यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ में दो कप होल्डर भी मिल जाते हैं। इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। सीटिंग में सेफ्टी की बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, देखो यहाँ पर एक सीट बेल्ट यहाँ से निकल के आती है इस तरीके से पीछे से, और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलता है और AC वेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं, मतलब थर्ड रो में जाना है तो। अब देखो थर्ड रो में कैसे जाना है मैं जाके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं थर्ड रो में जाके दिखाता हूँ कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्लाइन एंगल है, इस लीवर को खींच के और थोड़ा सा इसे स्लाइड करना है आगे की तरफ, तो देखो आप कितना सारा स्पेस हो गया। और एंटर करने के लिए इस तरीके से एंटर करना है, ऐसे करके और ऐसे। अरे भाई, अब देखो यहाँ पर पीछे वाली सीट जो है ना इतनी कम्फर्टेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऐसे एंगल को चेंज कर लेंगे तो सही है, लेकिन पैर कहाँ पर रखोगे। दूसरी चीज़ हेडरेस्ट देखो, हेडरेस्ट मेरी पीठ में चुभ रहा है, इसे इस तरीके से उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आगे वाला पैसेंजर कहाँ बैठेगा। पैर देखिए मेरे ज़रा कहाँ पर आ रहा है, मतलब पीछे सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं या छोटी हाइट वाले, शॉर्ट हाइट वाले बैठ सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब देखो थोड़ा सा, और यहाँ पर एक कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर सेम यहाँ पर भी इस तरीके से मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का पोर्ट और मिल जाता है। ठीक है, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी, सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिली जाती है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एक और बंदा बिठाना है तो देखो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक और बंदा बिठाना है तो देखो प्रॉपर 8 सीटर के लिए यहाँ पर भी आर्मरेस्ट, वो हेडरेस्ट लग जाएगा, और वो हेडरेस्ट पीछे बूट में रखा हुआ है तो वहाँ से जाके आप निकाल के उसे लगा भी सकते हैं, तब ये प्रॉपर 8 सीटर बनेगी गाड़ी। तीन लोग पीछे बैठेंगे, 3 लोग मिडिल में और 2 लोग आगे। लेकिन देखो थर्ड रो की एक बात बता दूं, अगर शॉर्ट हाइट वाले लोग या फिर बच्चे बैठेंगे वही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे लॉन्ग हाइट वाले आप देख सकते हो जो मिडिल रो की सीट है उसे पूरा फोल्ड कर रखा है, तब ये हालत है बैठने पर। ठीक है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कितना स्पेस मिलता है, बाकी बताने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और देखो इसे एडजस्ट करना है दोबारा से, तो इस तरीके से पीछे करके, और ये अब देखो मिडिल रो में जो भी बैठेगा बहुत कंफर्टेबली बैठने वाला है, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। और अगर देखो कंफर्ट की बात करूँ तो सेम कंफर्ट आपको इनोवा क्रिस्टा में और हाई क्रॉस में यही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंफर्ट के मामले में मिडिल रो तो बहुत अच्छी है, लेकिन थर्ड रो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आगे की जो फ्रंट सीट है वो भी काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ रह गई दोस्तों, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक 4 किलो पेलोड का एक हुक और मिल जाता है, बाज़ार से सब्जी वब्जी लाओ और केले वगैरह लाओ तो यहाँ पर टंगा लो, पिचकेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं निकल के,
और हाँ तो दोस्तों अब बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब एक काम करता हूँ, इसका इंजन भी और दिखा देता हूँ आपको खोल के। पहले तो मैं इसका इंजन बंद करता हूँ और उसके बाद यहाँ से बोनट ओपन होगा और इस तरफ आके, अब देखो दोस्तों बोनट खुल चुका है। तो बोनट में पहले तो देख लो इंसुलेशन सीट वगैरह तो सब मिल जाती है, ठीक है, वजन भी ठीक ठाक है। उसके बाद इस तरीके से ये पूरा इंजन मिलेगा। मोटर का सेटअप आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा गाड़ी में, ठीक है। बाकी इंजन आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप वॉशर वगैरह कूलेंट वगैरह फिल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का पूरा भरा भरा सा केबिन लग रहा है। उसके बाद बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है कुछ इस तरीके से। यहाँ पीछे और देख लो भाई, ये इंसुलेशन सीट वगैरह पूरा कवर्ड है। और देखो नीचे की तरफ पूरा कवर्ड मिलेगा, जैसे चूहे बूहे घुसने की जो इशू होता है ना, वो इशू खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे कर देते हैं बंद। तो दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी इन्वेक्टो, ठीक है, जीटा वेरिएंट था, 8 सीटर वेरिएंट था। क्या कुछ मिला, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो बात करते हैं डिस्काउंट वगैरह की। तो देखो डिस्काउंट क्या चल रहा है। डिस्काउंट की अगर बात करें तो मेन जो डिस्काउंट है ना, यहाँ यूपी के अंदर तो यूपी गवर्नमेंट ने दे रखा है। और क्या दे रखा है, जितनी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, चाहे ईवी कार हो, उन सब का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वो जीरो कर दी है। अब खुद सोचिए कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जीरो हो जाती है, 20 लाख की गाड़ी है मान लीजिए कोई। अब जैसे ये गाड़ी है 25 लाख 26 हज़ार एक्सोरूम कीमत है, 25 लाख मान लो आप मोटा मोटी, ठीक है, और 25 लाख पे 10% रजिस्ट्रेशन लगाओगे तो सीधे सीधे 2.5 लाख रुपये तो यहाँ पर ऑफ हो ही गए। तो 2.5 लाख रुपये का बेनिफिट तो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल गया, ठीक है, और बाकी डिस्काउंट जो है वो कंपनी आपको करके दे देगी। तो आप बताइए कितना बेनिफिट आपको रहने वाला है इस गाड़ी में, खासतौर पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। और माइलेज तो आपको मैंने बता दिया, 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मतलब गाड़ी आपको निकाल के दे देती है। तो अब आप बताइए आपके लिए कैसी रहेगी ये। अब बात करते हैं बैटरी वारंटी और गाड़ी के ऊपर वारंटी की। तो देखो पहले गाड़ी के ऊपर की वारंटी की बात करें तो पहले क्या है, मारुति जो है 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी देती थी। लेकिन अब जो है, अभी से कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले ही कंपनी ने जो है अपना जो वारंटी पीरियड है वो बढ़ा दिया है। अब 3 साल या मिनिमम 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। और अब बैटरी वारंटी की बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार के अंदर जो बैटरी है उसके ऊपर आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट जैसे सभी ईवी कंपनियां और ईवी कार्स पर जो बैटरी वारंटी मिलती है, सेम वारंटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस तरीके के अब फायदे मिलने वाले हैं। ये थी मारुति इन्वेक्टो का जीटा प्लस वेरिएंट। तो अब आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।